समझौता ट्रेन ब्लास्ट का एनआईए कोर्ट का जज जजमेंट में लिखता है कि इनके पास सबूत था, अच्छा सबूत था जो पेश नहीं किए। जजमेंट में लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जजमेंट में लिख रहा है कि इनके पास सबूत था, ये सबूत नहीं दिए। अब आप बताइए 25 लोग जो टेररिस्ट बम ब्लास्ट में मर गए उनके खानदान वाले क्या सोचना। मिस्टर मोदी, लाशें पुकार कर तुमसे पूछ रही हैं, समझौता ब्लास्ट की लाशें तुमसे पूछ रही हैं, मक्का मस्जिद में 9 लोग मारे गए वो लाशें तुमसे पूछ रही हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में एक मरने वाला शहीद हुआ वो तुमसे पूछ रही हैं कि तुम्हारे पास सबूत था, तुमने सबूत को पेश नहीं किया। यह ओवैसी या मजलिस नहीं कह रही है, एनआईए का जज कह रहा है। तो मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी सबूत क्यों नहीं पेश किए, क्योंकि जो मुलजमीन थे उसमें असीमानंद था। असीमानंद किसी जमाने में आरएसएस से वाबस्ता था, और जो लोग आरएसएस को जानते उन्होंने लिखा कि बरसों पहले नरेंद्र मोदी और असीमानंद दोनों चड्डी पहनकर लड़ फिराते थे आरएसएस की, इसलिए मोदी असीमानंद को बचाने के लिए सबूत नहीं पेश किए। अगर मैं गलत हूं मिस्टर मोदी तो साबित करो, झूठ साबित करो मुझे कल जब तुम हैदराबाद को आओगे, अपील करो मक्का मस्जिद के जजमेंट के खिलाफ, अपील नहीं करेंगे। समझौता का ट्रेन ब्लास्ट, अपील नहीं करेंगे। मेरे भाई, जो हिंदुस्तान का वजीर आजम अपने लोगों को बचा रहा है, जो लोग टेररिज्म में मर गए उनके इंसाफ की उसकी फिक्र नहीं है, वो देश की क्या खिदमत करेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि पूरे मुल्क में यह बात जाए कि जो लोग आज मीडिया के लोग बड़े चमचागिरी करते, जो आके पूछते आप बोलिए क्या बोलना, मोदी के खिलाफ बोले तो ऐसा लगता है कि इनके अब्बाकू बोल दिए, इतनी मोहब्बत।